दोस्तों जीवन में इतना टेंशन आ गया है ना कि ब्लॉग बनाने का टाइम ही नहीं मिलता है, आपको बता रहा हूँ। तो कुछ समझ में नहीं आता है ब्लॉग कैसे बनाया जाए। मेरे चैनल में कम से कम इतने ज़्यादा मतलब कम 40 से 45 दिन हो गया वीडियो नहीं जा रहा है। दोस्तों क्या बोलूँ, अभी समझ में नहीं आता है। हम लाइफ में मतलब मैं जब ब्लॉग स्टार्ट किया था तो ऐसा लग रहा था जैसे कि ब्लॉगिंग करूँगा बहुत आसान है। दोस्तों ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप ब्लॉगिंग करते हो ना, जो ब्लॉगिंग करता है वही जानता है कि ब्लॉगिंग होता क्या है। दोस्तों वीडियो डालने के लिए समय बिल्कुल नहीं मिलता है। और मैं अपना खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ आप लोगों को। मैं सोचता था कि डेली एक ना एक वीडियो जाएगा, लेकिन अभी देख रहे हैं 40 से 45 दिन हो गया दोस्तों, एक भी वीडियो नहीं गया है। दोस्तों आप लोगों को एक ही बात कहना चाहूँगा, जितने भी यूट्यूबर हैं, जितने भी ब्लॉगर हैं, जो न्यू हैं उन लोग के लिए, जो पुराने हों वो उनको तो को कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। यदि आप YouTube पे काम कर रहे हो तो कंटिन्यू काम करो, क्योंकि हम ये सोचते हैं ना कि अभी करूँगा, कल करूँगा, परसों करूँगा, ऐसा कुछ नहीं होता है दोस्तों। यदि आप एक दिन छोड़ दिए ना तो दूसरा दिन भी छूट जाता है, और दूसरा दिन छूट गया ना तो तीसरा दिन भी छूट जाता है। तो दोस्तों मेरा सोच ये था कि मैं ब्लॉगिंग तो कहीं भी जाऊँगा, कैसा भी कर लूँगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है दोस्तों। मेरे चैनल पर अभी मोनेटाइज होने के बाद, मैं मोनेटाइज के लिए इतना मेहनत किया और मोनेटाइज होने के बाद अभी रुक गया। तो जहाँ पे हम लोग मेहनत करना चाहिए वहाँ पे मेहनत नहीं कर पाते। स्टार्टिंग में लगता था यार ये ब्लॉगिंग क्या है यार, कहीं पे भी वीडियो शूट करो और कैसे भी डाल दो, एडिट तो करने आता है थोड़ा बहुत तो डाल दो, क्या होता है। अरे ऐसा नहीं है मेरे भाई, वीडियो शूट करना, वीडियो एडिट करना और उसको सही तरीके से डालना, ये सब के लिए बिल्कुल टाइम नहीं मिलता है। और जब एक बार छूट गया ना तो आपको बोलने भी नहीं आएगा, समझ गए, ऐसा होता है। तो YouTube पे काम करना आसान नहीं होता। अगर YouTube के दुनिया में आए हो तो वीडियो के लिए एकदम अड़ जाओ, मतलब कि लड़ जाओ, बनाने में पीछे मत हटो, तभी आप सक्सेस हो पाओगे। सक्सेस होने का एक ही राज है कि आप वीडियो बनाते रहिए बस। दोस्तों अगर इस वीडियो से अगर कुछ सीखने को मिला हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि फिर हम मिल सके इस चैनल में। अभी इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। तो दोस्तों बारिश का मौसम है, मजा लेते रहिए, भींगते रहिए, ज्यादा मत भींगे नहीं तो तबीयत खराब हो जाएगा। तबीयत खराब होने से बाबा इतना टेंशन आ रहा है ना, फिर तो टेंशन नीचे आता है बाबा। और मैं जहाँ पे वीडियो बना रहा हूँ दोस्तों, ये है बेलापुर सेक्टर 15, जो जेटी बोलते हैं ना, जेटी जहाँ पे नाव वगैरह स्टॉप होता है, समुद्र के किनारे ही है वो वाला एरिया है बेलापुर सेक्टर 15 का। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, बने रहिए, आशा है कि वीडियो आपको पसंद आएगा। तो चलिए मिलते हैं, बाय बाय।